Come in. यार सर, ये आपके लिए। क्या इसमें? इसमें टिकट है। टिकट कहाँ के? पाकिस्तान का, आपके डैड ने भेजा। अच्छा अच्छा, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। यार डैड को मैंने मना किया था यार, फिर भी उन्होंने टिकट करवा दिया है। पाकिस्तान के हालात नहीं देखे उन्होंने यार? बेटे की फिक्र नहीं है कसम से, उनको अपने इसके हालात अभी देखे नहीं यार। पाकिस्तान के उन्होंने और पेश नहीं होता, बस मना करने के बावजूद यार अब सारी पैकिंग दोबारा करनी पड़ेगी। नजीर किधर सर? नजीर यार, नजीर किधर चला गया? और बता, how was your flight? It was good यार। आ ही गया हेयर कर दो। बस अब मुझे भेजा, वरना तो मैं नहीं आने वाला। पंद्रह मिनट क्या है? तो क्या बिजनेस उधर बंद कर गया है सर कुछ? नहीं नहीं अब मैं यार, मैं उधर अबू के संभाला था बिजनेस। तो किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो सर यार? वही पुराना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। वही मुझे भी कोई इम्पोर्ट करा देना यार गाड़ी। क्यों नहीं बताओ, कौन सी चाहिए यार? वो सारी पाकिस्तान की आवाम पागल हो जाए जिसके ऊपर, जैसे लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, चार्जर। अच्छा चलो यार, करवा देंगे, कोई मसला थोड़ी है। तू तो ऐसे बोल रहे जैसे आज ही करा देगा। यार तुम बोलो ना, आज ही करवा देंगे यार। बिजनेस बंद करने के तूने? नहीं यार वैसा भी नहीं है। वो देख रहा सामने? हाँ याद है। कौन? नहीं क्या, कौन सी जगह? तुम्हें इतने नहीं पता, वैसे बम्बलर्स के बारे में मुझे पता होता रहता है। फैसल मस्जिद? हाँ ना, रिकग्नाइज कर ली तूने। हाँ वो मैंने तुम फेसबुक पे चढ़ाई भी थी ना पिक्चर, उधर से मैंने देखा था। और बता क्या करता है सारा दिन? बस यार आजकल प्रोजेक्ट मिला हुआ है, इस पे काम चल रहा है। तेरे प्रोजेक्ट तो जाने नहीं देते। हाँ नहीं हाँ। तो डेट कब आ रहे हैं? वो नहीं आ रहे यार, वो सुन के उधर बिजनेस वो संभाल लेना, अभी वो आगे फिर उधर कौन रहेगा? तू तो छुट्टी बहुत कम लेके आया यार, तुझे लाहौर लेके जाना था। ओ ये एक हफ्ता कम है भाई, ये एक हफ्ता तो मेरे लिए पूरा। बहुत शुक्र कर, मैंने अभी साद को फोन कर दिया, साद आ रहा है लाहौर से अभी। सारे आ रहे हैं? हाँ तू एक हफ्ते के लिए आया ना यार, हमने लाहौर जाना था पर अच्छा? फिर उसको मैंने इधर बुला लिया, मैंने कहा चलो यार तो अच्छा हो गया, सारे अब साथ होंगे तो मजा आएगा। नहीं और तेरा गरीब खाना किधर है? है वो F7 है, तक चेक करो। पता नहीं यार F7 में कहीं है। F7 है यार? F7 नहीं यार, F7 मुझे लगा। चल कोई मसला नहीं, मर जाए आगे से। चल आगे से चल।
छोड़ मेरी पाकिस्तान की चाय एंजॉय कर तू बस अंदर का रहने दे चाय क्यों नहीं पी रहा पीना चाय नहीं मरेगा तू यार पता नहीं पानी बॉइल भी किया होगा मैं नहीं पी रहा एक रात की बात बताओ तुझे हाँ बता तेरे होटल ने डायरेक्ट इंपोर्ट कराया पानी अच्छा और नहीं तो क्या डायरेक्ट जेलम से इंपोर्ट कराया है खास ना कर यार तेरे सहमसा होटल से अच्छी अच्छी चाय इधर लाइफ को एंजॉय करना सीख यार ये चाय तेरे बार बार नहीं मिलेगी ट्राई कर लेते हैं यार और बता मजा आया कि नहीं Explosions took place about an hour ago, 3 p.m. local time. We spoke to a student who was there at the time of the explosions. He said there were almost back-to-back one taking place at the boys' section of the Islamic University here in Islamabad, the second taking place in the cafeteria of the girls' section. A CNN producer who had just arrived on scene.
अरसाद सलमान को कुछ पता चला है? सुबह से उसको फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा। आज यार कुछ बोली अरे साइलेंस फिट करी सलमान अब हमारे बीच नहीं रहा। क्या मतलब हमारे बीच नहीं रहा? अच्छा डेट पे क्या होगा यार, मम्मी के लाडला है ना, मतलब लाड उठाने लाहौर जाते रहते, मुझे उसके पता है खत्म का कैसे हो सकता है यार ऐसा? सलमान सबर से काम इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है। खैर इमरान मुझसे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो यार। ये क्या बुझी हुई हालत तुमने बनाई हुई है? माने क्या सलमान तुम्हारा दोस्त था, लेकिन हम जो हो गया उसको बदल नहीं सकते। खैर अल्लाह ही खैर करेगा। ये क्या खैर करेगा यार,
आज सलमान मारा गया तो कल को इरफान, यही रोजाना का मामूल बन गया इस मुल्क का, कोई ना कोई मारा जाता है रोजाना। क्या तुम बात इमरान, ना तो ये तुम्हारी गलती है और ना मुल्क की, ये कुछ ऐसे लोगों की गलती है जो हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद करने में तुले हुए हैं। यार तुम्हारा मुल्क होगा मेरा मुल्क। ओह हाँ, तुम तो यूके के सिटीजन हो ना? सॉरी मेरे ये मतलब नहीं, लेकिन इस मुल्क में ऐसा है क्या जिससे मैं प्यार करूँ? ऐसा है क्या? ऐसा ही है। चलो चलो मेरे साथ। कहाँ ले आया है दोस्त? मैं तुम्हें पाकिस्तान दिखाने आया हूँ। पाकिस्तान? यहाँ तुम पाकिस्तान के बारे में कितना कुछ जानते हो? बहुत कुछ। यही ना कि पाकिस्तान में कत्लो गारत और दहशतगर्दी भरी हुई है। तो भाई यही सच है? ये सच बाहर की मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया हमें दिखाना चाहती है। लेकिन यार तुम सलमान की मौत को डिनाई नहीं कर सकते। मैं ये कब कह रहा हूँ कि मैं सलमान की मौत को डिनाई कर रहा हूँ? ये अजीम शख्सियत, इन्होंने अपनी जान दी है इस मुल्क के लिए, मैं इनकी मौत को डिनाई नहीं करता। यार इनने अपनी इतनी जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे इधर के मुल्क के लोगों ने क्या किया है? क्या दी इनकी कुर्बानियों का सिला? यही कि हमें बिजली नहीं मिलती, इनकी जान का कोई वो किया है? दोस्त खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदल दी, यहाँ ख्याल आप अपनी ज़िंदगी बदलने का। किसी को हालत बदलने का कोई, जब कौम अपनी हालत नहीं बदलती तब तक खुदा उसकी हालत नहीं बदलता, ना ही तुम्हारी कौम की। ये देखो यही पाकिस्तान के जुनून, उस बच्चे को देखो, पाकिस्तान को हमारी नहीं, हमें पाकिस्तान को ज़रूरत है। देखो कौन कौन आया यार। यार तुम लोग दादी के साथ शॉपिंग पे जा रहे हो? दादी के साथ शॉपिंग पे जाने का अपना ही मजा है इमरान। तुम दादी का कभी शॉपिंग पे नहीं गए? नहीं यार, वो हमारे साथ थोड़ी रहती है। हैं? वो क्यों? तो हम उनसे मिलने जाते रहते हैं, हम उनको ओल्ड हाउस में शिफ्ट कर। ओल्ड एज होम, इसको तुम अच्छा ख्याल कहते हो। भाई क्या यार, पाकिस्तान में इस चीज़ को हम लोग बड़े लोगों की इंसल्ट रहती है। तुम्हारी दादी जान ने सारी ज़िंदगी तुम्हारे अबू का ख्याल रखा होगा, अब बुढ़ापे में तुम्हारे अबू का फर्ज बनता है कि अपनी मम्मी का ख्याल रखें। हम कितने खुदगर्ज हो जाते हैं, अपने वालदैन के हुकूक भूल जाते हैं। ये हमारा पाकिस्तान जहाँ अपने बुज़ुर्गों की इज्जत करते हैं, अपने माँ बाप से अपनी वालदैन से औलाद प्यार लेते हैं, यही हमारा पाकिस्तान। हम अपनी तो याद करते हैं, एक दो अच्छाइयों से पाकिस्तान अच्छा नहीं हो जाता है, बहुत सी और सी बुराइयाँ हैं जो इन अच्छाइयों को कवर कर देती हैं। यार कैसे कह सकते हो तुम? यार हमें अच्छाई को पेश नहीं करना होगा, बल्कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कभी मीडिया ने हाईलाइट ही नहीं किया हुआ है। अब तुमने कभी अब्दुल कदीर के बारे में सुना होगा? तुमने कभी क्या नाम है, इमरान खान के बारे में सुना? अरफा करीम के बारे में, जो उसने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, उसके बारे में नहीं सुना, क्योंकि हमारी मीडिया उस बारे में हाईलाइट ही नहीं करती है। बात सिर्फ ये है, पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है, हमारे पास ना तो सलाहियतों की कमी है ना ही रिसोर्सेज की। मेरे दोस्त इमरान, ये तुम्हारी गलती है कि तुम पाकिस्तान को थर्ड डेवलपमेंट कंट्री समझ रहे हो। हमारी मीडिया बिकी हुई है। क्या तुमने कभी डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में सुना है? नहीं ना, वो एक फिजिशियन है, नोबल प्राइज़ विनर।
حضرت فتلی خان ایک عظیم سنگر ہیں اور راشد منہاس شہید. کیا تم ان کے بارے میں جانتے ہو؟ تم کو اتنی ساری معلومات کیسے ہیں؟ یہ سب باتیں پاکستانی عوام کو پتہ ہیں مگر ہم اچھائی سے زیادہ برائی کو ترجیح دیتے ہیں. غربت ہے مگر اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بھی ہیں. غربت پاکستان میں ہے لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ریسورسز ہیں. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک قائد اعظم کے بعد ہمیں کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں مل سکا جو برائی کو ختم کر سکے اور نہ کہ خود کرپٹ ہو کے پورے ہمارا کنٹری خراب کرے. صحیح کہہ رہے ہو تم سارے. پاکستان اچھا ہے, بس ایک دو لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہے. یہ چیز زیادہ مایوسی کفر ہے. تبدیلی پہلے خود میں لانی ہوگی اور پھر ہم دوسری چیز اپنا ملک بدل سکتے ہیں. اگر پاکستان کو تبدیل کرنا ہے تو پہلے ہم نے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے ٹیلنٹ کو ان چیزوں میں استعمال کرنا ہے. خیر, اپنی دھرتی سے پیار کرنا سیکھو عمران, اپنی دھرتی سے پیار کرنا سیکھو, جنت یہ خود ہی بن جائے گی. خیر, اب بہت دیر ہو گئی اور بہت دادی ویٹ بھی کر رہی ہوں گی اور کیک بھی لینا ہے. اب پھر ملیں گے ان شاء اللہ. میں جاؤں دادی کا بھی بس ایک دو ہفتے ادھر ہی ہوں. میں جاؤں ساتھ نہیں, یہاں بس بہت دیر ہو گئی. والدین کے حقوق بھول جاتے ہیں. یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم پاکستان کو تھرڈ ڈیولپمنٹ کنٹری سمجھ رہے ہو. اگر پاکستان کو تبدیل کرنا ہے تو پہلے ہم نے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے ٹیلنٹ کو ان چیزوں میں استعمال کرنا ہے. سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک قائد اعظم کے بعد ہمیں کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں مل سکا جو برائی کو ختم کر سکے اور نہ کہ خود کرپٹ ہو کے پورے ہمارا کنٹری خراب ہو. بات کیے زمانہ گزرا تھا, ہم سے ملے زمانہ گزرا تھا, انجان جگہ کو کہتا تھا گھر, گھر کئی زمانہ گزرا تھا. دل میں کتنا کچھ بھرا تھا, پردیس میں کبھی سوچا نہ تھا, آیا یہاں تب معلوم ہوا کس چیز کی کمی تھی احساس ہوا. دوستی پیار اسار کا مطلب, اپنوں کے ساتھ کا مطلب, آنسوؤں کے مٹھاس بھی, خوشحالی کے آس بھی, کچھ بچھڑنے والوں کی پیاس بھی. اپنوں کی سلامتی کی خاطر دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا بھی, اسے ملک میں سیکھا میں نے. سجدے میں سر کو جھکانا بھی, یہ ملک تو میرا اپنا ہے, اس کو میں نے بھی اپنانا ہے. انگلی اس پہ جو اٹھاتا ہے وہ میری طرف ہی بڑھتی ہے. میں ہی تو ہوں پاکستان, میں نہیں تو پھر کون. میرے قائد کی وہ قربانی, میرے قائد کا وہ مان, ٹوٹنے نہیں دینا اب, بچانا ہے اپنا پاکستان.